गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम फोर्थ क्लास के लिए जो है मैथ्स हम डिवीजन पढ़ेंगे बेटा। एक तरह की मैं आपको आज रिवीजन कराऊंगी, मैं आपको आज डिवीजन सिखाऊंगी। बिल्कुल सिंपल से हम शुरू करेंगे। देखिए पहले 6 डिवाइडेड बाय 2, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द साइन फॉर डिवीजन। ये जैसे प्लस का साइन ऐसे होता है, माइनस का साइन ऐसे होता है, ये जो है ये डिवीजन का साइन है, ठीक है बेटा। और इस तरह से जो बॉक्स बना होता है तो ये भी डिवीजन का जो है ऑलरेडी पता है हमें, ये डिवीजन हमें इसको करनी है। देखो बेटा, अगर जहां पे बॉक्स नहीं बनाया है ना, जैसे आपको ये दिया है 6 डिवाइड बाय 2, आप क्या करेंगे, इस तरह से ऐसे उल्टा एल टाइप एक बक्सा बनाएंगे, जो नंबर इधर है जिसको डिवाइड करना है उसको बॉक्स के अंदर रखेंगे, उसको बॉक्स के अंदर रखेंगे, जिससे डिवाइड करना उससे बाहर रखेंगे। अगर आपको इस तरह से बना के नहीं दिया, जिससे डिवाइड करना है उसको बाहर रखना है, इसको अंदर रखना है, ठीक है बेटा। फिर इसका टेबल पढ़ना है, जैसे पढ़ेंगे हम देखेंगे इसके टेबल में ये कब आता है, वहाँ रुक जाना आप, ठीक है। 2 1 2 2 2 4 2 3 6, यहाँ जो अगर ज़रूरी नहीं है ये आए, इसके नज़दीक भी अगर कोई आएगा जो कम होगा, ज़्यादा नहीं कम होगा, वहाँ पर हमें रुकना है। इस तरह से हम डिवीज़न करते हैं। देखो बेटा, अगर ज़्यादा नज़दीक ज़्यादा यही नंबर आए तो ज़्यादा अच्छी बात है, फिर अभी अगर कम भी हो तो भी चलेगा। देखो बेटा, अब 2 3 6 कैसे किया मैंने, हमने टेबल पढ़ा, 2 1 2 2 2 4 2 3 6, इधर आओ, मैंने क्या किया वो देखो, ये मैंने आपको समझाने के लिए कहा 2 3 6, 3 6 किससे आया, 3 किससे आया, 6 3 से आया 6। ये जो नंबर है जिससे हमें 6 मिला, ये ऊपर डब्बे के ऊपर जो आंसर मिला, 6 मिला, वो इधर नीचे इस नंबर के नीचे, और माइनस का साइन लगाना है। डिवीजन में हम जो डिवीज़न है वो एक बार 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 जो है इनमें माइनस करना पड़ता है, डिवीज़न इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये बार बार जो है डिवीज़न में माइनस करना पड़ता है, यहाँ पर हम माइनस करेंगे 6 माइनस 6 में से 6 निकाले तो 0। ये देखो, इसका मतलब ये जो है इसको डिवाइड करने पे हमें 3 मिला। एक और पे मैं आपको सिखाती हूँ, जैसे 8 डिवाइडेड बाय 4, अब जिसको डिवाइड करना है उसको बॉक्स के अंदर, जिससे डिवाइड करना है बॉक्स के बाहर। अब इसका टेबल पढ़ना शुरू करेंगे, किसका, 4 का, 4 1 4 4 2 8, आ गया ना 8 हमें नज़दीक। अगर हमें 7 आता है टेबल में, नहीं आता, अगर हमें 8 मिल रहा है पूरा का पूरा, तो हमें नज़दीक जो इसके कम भी आए उसकी ज़रूरत नहीं है। हम करेंगे 4 2 8, 2 आया, किससे आया 8, 4 के 2 से, ठीक है। 2 जो है ऊपर, 8 जो आया वो इधर, अब माइनस करेंगे 8 में से 8 निकाले, 0 डिवाइड हो गया। अब देखो इस पर 2, अब ये तो हमें बॉक्स दिया हुआ, अब हमें सीधा इसको डिवीजन शुरू करनी है। 2 5 2 10 से डिवाइड, इसका टेबल पढ़ेंगे, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 2, किससे आया 5, 10 किससे आया 5 से, जिससे आया वो ऊपर, क्या आया 10 आया इधर, फिर माइनस करेंगे 10 में से 10 निकाले, अगेन 0, क्रॉस करना तो भी 0 होता है। अब 4 पे आए, अब 3 से इसको 3 से डिवाइड करना है, अब 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 8, 4 से आया ना 4 इधर और 12 इधर। अब जो ये 4 है, 4 जो है हम बाहर रखेंगे डब्बे के ऊपर, यानी कि जो क्वेश्चन मिलता हमें इधर आया, और 12 जो ये वाला 12 इसको इधर काटेंगे, 12 में से 12 0 आया। तो डैट मीन्स इस तरह से हम डिवीज़न करते हैं। बेटा मेरी आवाज़ को सुन के ना खुद से 2-3 बार जो है प्रैक्टिस कीजिएगा इसी तरह से डिवीज़न की, तभी फोर्थ वालों का जो है डिवीज़न जो है कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है बेटा। डिवीज़न बहुत ज़रूरी, डिवीज़न आनी चाहिए। आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।